लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर का मर्डर। मुख्तार के शूटर संजीव उर्फ जीवा को भरी अदालत में मारी गोली। एक 32 में 3 घायल वकील की ड्रेस में आया हमलावर गिरफ्तार। लखनऊ के कैसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी पर आए मुख्तार के करीबी गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान विजय यादव निवासी केराकत जौनपुर के रूप में हुई है। हमलावर वकील की वेशभूषा में थे। हमले में 2 पुलिसकर्मी और 1.5 साल की बच्ची घायल हुई है। बच्ची की पीठ पर गोली लगी है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ के ट्रामा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उधर JCP लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि हत्या की वजह पता की जा रही है। वकीलों ने पकड़ा जीवा को, गोली तब मारी गई जब वो कोर्ट रूम में एंट्री कर रहा था। हमलावर जैसे ही भागने की फिराक में हुआ तो वकीलों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच झड़प भी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जीवा की क्रिमिनल हिस्ट्री। मुख्तार अंसारी का करीबी था। हाल ही में उसकी संपत्ति भी कुर्क हुई। मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, जिसे दवाखाने में काम किया, वहां के मालिक को ही किडनैप कर लिया। 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया, 2 करोड़ रुपए मांगे थे। भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी, कृष्णानंद राय और कारोबारी अमित दीक्षित की हत्या में नाम सामने आया। मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल होने पर मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया था। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा बाएं और आरोपी हमलावर विजय यादव दाएं। तीन बजकर 50 मिनट पर कोर्ट में 9 mm पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चली। कस्टडी में था संजीव जीवा।